नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे हाई वीएस टेक्निक्स के बारे में। हाई वीएस, व्हाट इज हाई वीएस? हाई वीएस क्या है? हाई वीएस अपने कार्यस्थल, मशीन, उपकरण इत्यादि के अच्छे रख रखाव एवं सुरक्षित कार्य करने की एक टेक्निक है। इसको और रूप में बोल सकते हैं एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजिंग मेथड है। ये एक जापानी तकनीकी, इसको जापान ने पहले सिस्टम में इजाद किया था। बाकी तो हमारे इंडिया में भी, हमारे कल्चर में भी फाइव एस बहुत है, लेकिन जो फाइव एस की मेथोलॉजी और टेक्नोलॉजी थी वो जापान ने पहले इसको सामने ले आया, और इस तकनीकी का इस्तेमाल उसने कार्य क्षेत्र में किया। तो आइए हम जानते हैं हाई वेस का पूरा नाम जापानी वर्ड में और इंडियन और इंग्लिश में। जापानी लैंग्वेज में सबसे पहला जो यस है वो है सीरी, दूसरा है सेइटोन जिसको सीतो बोलते हैं, सीसो तीसरा, और चौथा है सिकेसु, और पांचवा है हमारा सित्सुके। ये हमारे जापानी लैंग्वेज में, जो जापान ने सबसे पहले इसको वर्ड में लॉन्च किया कि ये मेथोलॉजी या टेक्निक्स हम ऑर्गेनाइजेशन में इन इन स्टेपों में लगाएंगे। हाई वीएस का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश में पहला है, जिसको हम सीरी बोले थे उसको शॉर्ट छांटना, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था, साइन मतलब चमकाना, और मानकीकरण स्टैंडराइज चौथा, और पांचवा है अनुशासन। तो ये हमारे उसी को जो है हमने हिंदी और इंग्लिश में जो यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया। अब आगे चलते हैं, एक एक करके हमने इसकी जानकारी लेते हैं कि वन या सीरी या सॉर्टिंग या छटाई को हम कैसे करेंगे, इसके करने के क्या लाभ हैं, और एग्जांपल से इसको हम जानेंगे। इसका मतलब है कि ज़रूरत की चीज़ों को रखें और अनावश्यक चीज़ों को हटा दें। कैसे करें? अपने चारों तरफ देखें, क्या वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है या नहीं, उनको सूची बनाएं और उनको अलग करें। जैसे फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, डॉक्यूमेंट या कोई और वस्तुएं। जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें अलग करें या फेंक दें, जैसे टूटे हुए टूल या खराब और जंग लगा हुआ औजार आदि, इनकी लिस्ट बनाकर अलग करें। जिन वस्तुओं की जरूरत बार बार पड़ती है उनको सबसे पास रखें ताकि ढूंढने में समय न जाए। रखरखाव की समस्या को पहचानें और उनके कारणों को दूर करने के लिए काम करें। जैसे कहीं से धूल आ रही है तो धूल हटाने के लिए, मैल को रोकने के, हटाने के तरीके ढूंढें कि हमारा जो वस्तु है वो खराब ना हो या जो हमारा पार्ट है वो खराब ना हो। तो उसके लिए रखरखाव की समस्या को पहचानना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल में हमने बिफोर में देखी है, ऐसे ढेर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर इसका वन ईयर्स करते हैं तो हमारा जो इस तरीके से दिखने लगता है, इसको हर एक सिस्टमेटिक ढंग से इधर वन ईयर्स करके जो चीज़ें रखनी चाहिए थी रखा, जो चीज़ें हटानी चाहिए थी हटा दिया हमने। इसके लाभ क्या हैं? कार्य क्षेत्र अच्छा दिखता है। वन एस के लाभ क्या हैं? कार्य क्षेत्र अच्छा दिखता है, अव्यवस्था दूर होती है और ज्यादा जगह बनती है वन एस को करने से। वन एस के बाद हमारा टू एस सीतो या सेट इन ऑर्डर सुव्यवस्था है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक जगह निश्चित करें और हर वस्तु को उसको निर्धारित स्थान पर रखें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें उपयोग की जाने वाली वस्तु को क्रम से निर्धारित करें, उसको स्थान पर रखें, उस वस्तु को उपयोग में होने वाली जगह से जहाँ उसका स्थान बनाया गया वहाँ पर रखें। सुव्यवस्था का मतलब ही है कि सभी चीज़ों को एक निर्धारित जगह और सभी चीज़ें अपनी जगह पर हों।
वस्तु को उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रख दिया जाता है, ताकि अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसको लेने चाहे तो वो उसको तुरंत मिल जाए, आसानी से मिल सके। तो टू यस का मतलब है कि आपको सेट इन ऑर्डर में रखना है और हर जगह स्पेस बचती है, इससे ऐसा कोई आपको दूसरी चीज़ को ढूंढने में समय खराब नहीं होता है, तो आपका सर्चिंग टाइम कम हो जाता है। कैसे करें? उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नामकरण करें। वस्तु के नाम के अनुसार उसकी एक निश्चित जगह दें और उसका नाम दें। वस्तु को उपयोग के बाद उसको उसी जगह पर रखें जहां उसका स्थान बनाया गया है। कलर कोड भी यूज कर सकते हैं। वस्तुओं की सूची लगा दें। उस कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इसका पालन करना चाहिए, इसकी जानकारी दें। वस्तु को ले जाने के बाद, सबसे बढ़िया चीज़ है अगर वस्तु को ले जाने के बाद उस जगह पर व्यक्ति का नाम अंकित करने की व्यवस्था कर दें, कि जैसे कोई भी अगर आपका औजार है, हथौड़ा है, प्लास है, उसको अगर आप वहां से ले जाते हैं और वहां पर नाम अंकित करने की व्यवस्था रखें कि कौन ले गया है, तो इससे पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति उस चीज़ को ले गया है और सर्चिंग में टाइम नहीं लगेगा। तो टू ईयर्स में एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये है, इसको करना चाहिए। इसके लाभ क्या है? वस्तु की पहचान करने में समय नहीं लगता, वस्तु को खोजने में टाइम नहीं लगता है, कोई भी व्यक्ति आसानी से वस्तु प्राप्त कर सकता है, बेशक वो नया क्यों ही ना हो। कौन सी वस्तु कहाँ है वस्तु आसानी से जान सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर इनको जो है हम सुव्यवस्थित ढंग से नामकरण करके और निर्धारित स्थान बना करके रख दें तो इस तरीके से दिखता है। तीसरा यस है सीसो, साइन या क्लीनिंग या साफ सफाई। एकदम स्वच्छ जगह बनाने के लिए संपूर्ण सफाई करें और उसका टाइम टाइम पर इंस्पेक्शन भी करते रहें। कार्य क्षेत्र और वस्तुओं की साफ सफाई नियमित करें, उन्हें चमका कर रखें। इससे अपने आसपास की उन वस्तुओं की सफाई करते समय उन्हें के द्वारा उपयोग किया जाता है। हम अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फ्लोर्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। मशीनों में या पाइप में, लाइनों में किसी भी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई लीकेज है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको जब भी कभी साफ सफाई करनी हो तो सबसे पहले आप उस मशीन को बंद करें और ऑफ कर दें, उसके बाद ही सफाई करें। इसमें टाइम निर्धारित कर दें, 10 से 15 मिनट हमें डेली साफ सफाई करनी है। सभी कर्मचारी 15 मिनट 10 मिनट का अपने कार्यस्थल की साफ सफाई करें, इसका एक नियम बना देना चाहिए। कैसे करें? साफ सफाई के दिशा निर्देश बनाएं, साफ सफाई के निर्देशों का पालन करें, इसका समय निर्धारित करें, इस कार्य को कौन करने वाला है उसकी लिस्ट बनाएं और लगाएं, वस्तुओं का इंस्पेक्शन करें, खराब होने पर बदल दें यानी उसको समय समय पर चेक करते रहें। क्लीनिंग विद मीनिंग, यानी क्लीनिंग विद मीनिंग क्या मतलब है, उस पॉलिसी को फॉलो करें। क्लीनिंग करने से क्या फायदा होगा उसकी मीनिंग्स आनी चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। इसके लाभ क्या है? वस्तुएं साफ रहती हैं, वस्तुएं लंबे समय तक चलती हैं, वस्तुओं को समय के अनुसार खराब होने से पहले हम चेंज कर सकते हैं, आदर्श कार्यस्थल बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, देखिए ये हमारे टेबल्स वगैरह हैं जो डर्टी गंदे पड़े हुए हैं, तो इसको हम जब साफ करते हैं तो हमारा इस तरीके से दिखता है, शाइनिंग यानी चमकने लगा है। तो ये चीजें हैं 3S करने से होती है। चौथा है शिक्षुकी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मानकीकरण। तीनों 1S, 2S और 3S का मानकीकरण करें, यानी जो पहले हमने 3S किए हैं उनको एक स्टैंडर्ड के रूप में बनाना चाहिए, जिससे कि हमें वो फॉलो हो सके, कंपनी में हमें उसका स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। 1S, 3S के तीनों स्टेपों को फॉलो करने की चेकलिस्ट बनाएं, तीनों स्टेपों को कैसे करना है, कौन करना है, कितनी देर करना है, इसका पूरी तरीके से स्टैंडर्ड में अंकित करें और उसको स्टैंडर्ड बना दें, तो जो सबके लिए फॉलो करना अनिवार्य हो। जैसे मान लो कंपनी में पानी की पाइपलाइन का कलर कोड ब्लू है, तो जब नई पाइपलाइन लगाई जाए तो पुरानी पाइपलाइन को बदला जाए तो उसका कलर कोड भी ब्लू ही होना चाहिए। ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है, ये जो हमने एग्जाम्पल देके आपको बताया, इससे हम ऊपर के तीनों यस का स्टैंडर्ड बना कर रखते हैं।
किसी एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बोर्ड भी बनाकर रखते हैं और हाउस कीपिंग की अच्छी आदत बनाए रखें। कंपनी के सनराइज की समय समय पर जांच भी होती रहनी चाहिए। सो कैसे करें, 4S को कैसे करना है। 1S 2S के अंतर्गत जो भी कार्य डालें सबका दिशा निर्देश बना दें, स्टैंडर्ड बना दें। कार्य करने में होने वाली वस्तुओं की चेकलिस्ट बनाएं और डेली चेक करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर दें कि कौन क्या करेगा, कौन कितने समय तक करेगा। कार्य करने में लगने वाले समय का भी आकलन कर लें कि 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका वर्क इंस्ट्रक्शन बनाकर लगा दें। वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करें। इसके लाभ क्या है, कोई नया व्यक्ति भी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। अगर आपने वर्क इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड बना के लगाया हुआ है तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसी स्टैंडर्ड के अनुसार वो वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करेगा। तीनों स्टेप को आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर आपने स्टैंडर्ड वगैरह बना दिया है तो तीनों एस जो है, 1S 2S 3S, वो आसानी से पूरा किया जाएगा। कार्य को समझने में आसानी मिलती है। अगर आपने स्टैंडर्ड या वर्क इंस्ट्रक्शन बना दिया है तो उसको समझने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ें करें उसका एक वर्क इंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड बनाएं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़ें जो एक वर्कशॉप में दिखाई गई हैं। लिफ्टर है, सामान है, गैंगवे है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, मानकीकरण नहीं किया गया है। इसका स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया कि गैंगवे कौन सा है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आना है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। इसको देखिए बाद में कैसे इसका मानकीकरण कर दिया गया। देखिए गैंगवे जो है हमारा वो ग्रीन कर दिया गया, जहाँ से हमको नहीं गुजरना है उसको रेड कर दिया गया। मतलब इस तरीके से एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि ये गैंगवे और ये वॉकिंग एरिया या लिफ्टर का एरिया है, तो इस पर सावधानी बरतें। तो इस तरीके से हमने मानकीकरण कर दिया। सबसे ज़्यादा जरूरी और सबसे बढ़िया, इसको बिना करिए आपका 5S, 5S जो 5S आता है शिशु के, ये बहुत जरूरी है। स्व अनुशासन, लगातार अभ्यास और अच्छे रख रखाव की आदत डालें। जो भी हमने 1S 2S 4S किया उसकी लगातार अभ्यास करते रहें और उसको अपने आदत में डालें। सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण स्टेप अनुशासन है। अनुशासन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि कार्य करना। हर कंपनी अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है, इसको हम फॉलो करते हैं। तो ये प्रणाली के अनुसार हम इसमें सुरक्षा नियमों का पालन करना, कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन का पालन करना, कंपनी के स्टैंडर्ड को बनाए रखना आदि। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि कंपनी में अनुशासन कैसे बनाकर रखें। प्लांट को अलग अलग जोन में बांटा जाता है और इसका कंटिन्यू ऑडिट किया जाता है और उसका पालन करते हैं। 5S को कैसे करें, रोज मॉनिटरिंग करें। सभी कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दें। कर्मचारियों को मोटिवेट करें कि वह कंपनी में अनुशासन बनाए रखें। समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट करना चाहिए। सभी कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। रेड टैग प्रणाली, यानी कि एक रेड टैग एरिया बनाए जहाँ पे हर एरिया का सामान ला करके वहाँ पर रख दें, ताकि जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत की चीज़ें हों वो ले जाए और रेड टैग लगा कर रखें। टीम वर्क बनाकर काम करना चाहिए। सारा के सारा अगर टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल।